हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले एपिसोड ऑफ कार फोर सेल सिमुलेटर। तो जैसा कि तुम लोग को पता है, लास्ट एपिसोड में हमने इस गेम में गलती से अपना सारा डेटा उड़ा दिया था। तो इस एपिसोड में हमारा गोल होने वाला है वापस से थोड़े बहुत पैसे कमाना और अपने शोरूम को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करना। तो सबसे पहले इस कार को सेल पे लगाते हैं। वेट, मैंने ब्लैक मार्केट से ये खरीदा था। ओके, तो हमें जाना है वेब पेज पे, एक गाड़ी सिलेक्ट करनी है जो कि BMW की है। तो ये हमने खरीदी है $23,000 की। मैं इसे लगाने वाला हूँ $50,000 पे। लेट्स गो, देखते हैं, वेट करते हैं बंदों का। ओके गाइस, तो इस गाड़ी के लिए एक कस्टमर आ चुका है, देखते हैं, बात करते हैं इनसे। $50,000 की गाड़ी, ये 23,000 देने को तैयार है इस गाड़ी का। भाई इससे महंगी तो मैंने खरीदी है गाड़ी नहीं, डोंट सेल, आओ यहाँ से, आप नहीं बेचनी है आपको। ओके, तो एक और कस्टमर आ चुका है हमारे ऑफिस में, इनसे बात करते हैं। और ये बोल रही हैं $25,000, यार ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता अपना। ओके, एक और कस्टमर आ चुका है, इससे भी बात करते हैं। अरे गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है ना, इसलिए इसका पैसा कम मिल रहा है। 21, नहीं भाई तुम तो जाओ ही। ओके, एक और बंदा आया है, इनसे भी बात करते हैं। $26,000, ओके ये थोड़ा बहुत अच्छा दे रहा है। ओके, 28 करते हैं इसको। ओ सॉरी, $28,000 में डील फाइनल करते हैं ये वाली। ओके, ऑल के बिक चुकी है ये गाड़ी। लेट्स गो, कार मार्केट प्लेस ओपन है, चलो चलते हैं कार मार्केट प्लेस में। ऑल राइट गाइस, हम लोग कार मार्केट प्लेस तो पहुँच चुके हैं, चलो चलते अंदर, बात करते हैं इन लोगों से और देखते कौन सी गाड़ी हमारे बजट में। ये ऑडी की Q7 जो कि 10,000 की है, अच्छी है वैसे, ले सकते हैं हम लोग। और बात करते हैं, और कोई गाड़ियाँ देखते हैं, क्योंकि ये गाड़ी लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऑडी TT जो कि 34,000 की है, ले लें क्या इसे, 30 भी नहीं है। ओके, देखते हैं 33,000 में क्या ये हमें मिलेगी, $33,000 में। वेट, ओके ये गाड़ी हमें मिल चुकी है, अभी हमारे पास $5,000 और बचे। ओके, मैं हमारे पास $5,000 अभी बचे, मैं सोचा $5,000 का हम लोग टो ट्रक्स के लिए स्लॉट खरीद लेते हैं अपने लिए, ताकि हम लोग डायरेक्ट गाड़ियां भिजवा सकें। नहीं, अपग्रेड्स पे चलो टो ट्रक। ओके, एक ये खरीद लो और अगला तो हमें मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते इस गाड़ी को लेके। ओके, हम लोग गाड़ी को लेकर पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में, इसे करते पार्क, गाड़ी से उतरते, इस गाड़ी को भी लगाते हैं सेल पे। इसकी भी एक अच्छी सी फ़ोटो लेते हैं पहले क्या, और इसी भी मैं $50,000 की ही लगाने वाला हूँ सेल पे, देखते हैं कितने मिलते हैं। वैसे मैं सोचा हूँ आज थोड़े बहुत पैसे कमा लिया जाए, कम से कम $1,00,000 तो करके ही जाएंगे हम। ओके गाइस, तो फाइनली इस कार के लिए एक कस्टमर आ चुका है, देखते हैं। ओके, $44,000 देने को रेडी हैं, क्यों ना इसे 46 किया जाए, 46 ही है, $47,000। क्या ये गाड़ी बिकेगी? ओके, फाइनली ये कार बिक चुकी है $47,000 में। एक बार फिर से चलते हैं हम लोग कार मार्केट प्लेस और एक और गाड़ी खरीदते हैं। ओके गाइस, तो बहुत घूमने के बाद मुझे एक गाड़ी मिली है जो मैं ख़रीदने वाला हूँ, उसका प्राइस है $35,000। ये $700 एक्स्ट्रा ले रहा है, मैं इसे 35 में ही लूँगा। ओ भाई 35 नहीं, ओके भाई $700 की बातें छोड़ दे। ओके, तो ये कार हमारी हो चुकी है, इसी के साथ अभी भी हमारे पास $15,000 बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक और गाड़ी देख लेते हैं जो कि वहाँ पे है ऑडी। ये वाली लगा जाए, ऑडी Q7, और इसे भी मैं सिर्फ 10,000 में ही लेने वाला हूँ। वैसे आई डोंट थिंक सो कि $1,000 ऑफ करेंगे, ये लगा ही था। ये लो $500 ऑफ कर दो,
ओके, तो ये कार भी हमें मिल चुकी है, इसे मैं भेजने वाला हूँ डायरेक्ट टो ट्रक के साथ, और ये वाली गाड़ी लेके हम जाने वाले हैं खुद। भाई ये गाड़ी की कंट्रोलिंग तो बहुत सही है, देख रहे हो कितनी प्यारी ब्रेक लग रही है इस गाड़ी में। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में, लेट्स गो भाई, ठुकना नहीं है। ओके, गाड़ी को करते हैं यहाँ पे खड़ी, गाड़ी का इंजन करते हैं ऑफ, गाड़ी से उतरते हैं, और एक और कार है जो कि ये खड़ी, को भी लगाते पार्क करते अपने कार की ऑफिस में, और इन दोनों को गाड़ियों को लगाते सेल पे, लेट्स गो। पलट जाओ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ये गाड़ी हो चुकी है पार्क। ओके लेट्स गो, ये हमने लिया $35,000 में, और इसको भी मैं लगाने वाला हूँ $60,000 की, $1,000 में पुट इट ऑन सेल। और ये हमारी ऑडी, ये हमारी ऑडी, इसको भी मैं लगाने वाला हूँ, वेट लेट मी चेक, ऑडी हमने ली थी 10,500 में, तो इसे मैं लगाने वाला हूँ 20 में, लेट्स गो। अब वेट करते बंदों के, वो ऑफिस में आए हो ये गाड़ियाँ खरीद के लेके जाएं, वैसे और बंदे इस गाड़ी के लिए आए, इसके भी देखते हैं का क्या सीन है। ये 57 देने के लिए रेडी है, तो भाई 60 ही दे देना पूरा, थोड़ा सा ही तो फायदा है, मतलब थोड़ा सा ही तो और पैसा देना है, दे दो ब्रो। ओके, ये कार $60,000 में बिक चुकी है, लेट्स गो। ओके, तो मैंने इन सबसे बात की, सबसे ज़्यादा पैसा तो यही दीदी दे रही है, इनसे डील फाइनल करते हैं, थोड़ा और पैसा लेते हैं, निकालने का ट्राई करते हैं, 11,900, $12,500 में डील फाइनल कर दी। वॉट उसे नहीं चाहिए, कोई ना, एक और बंदा आया, इससे बात करते हैं। ओके, तो 11,600 में लेने को तैयार है, तो मैं इसे 12,500 में देने को ट्राई करता हूँ, ये 12,600 ही ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 12 दे दे, 12,000 ही दे दो। ओके, तो फाइनली $12,000 में ये गाड़ी भी बिक चुकी है, लेट्स गो। हमारे पास है इस समय टोटल $76,000, एक बार वापस चलते हैं, वैसे आज कार ऑक्शन खुला है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार चलते हैं अपने घर पे कंटेनर में, और सो के अगला दिन करते हैं, हो सकता है कार मार्केट प्लेस खुला हो और हम वहाँ से कोई अच्छी गाड़ी ले सकें, लेट्स गो कंटेनर पे चलते हैं। ओके गाइस, तो गुड मॉर्निंग हो चुका है, और आज कार मार्केट प्लेस भी ओपन है, तो चलो चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से खरीदते हैं कुछ और महंगी महंगी गाड़ियाँ, और उसे भी बेचते हैं, लेट्स गो। तो आज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखी हैं, बात करते हैं सबसे, देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे पास बजट में। ओके, ये ऑडी S8 जो कि 13,000 में, मतलब 13,000 में, ये गाड़ी है 10,000 में, नहीं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहा था, और मुझे यहाँ पे दिख चुकी हैं दो दो सुपर कार, एक लैम्बोर्गिनी और एक यहाँ पे खड़ी है सुपरा, तो देखते हैं दोनों गाड़ियों की बात करते हैं, कौन सी हमारे बजट में हम वो लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, तो ये है लैम्बोर्गिनी जो कि आ रही है $4,00,000, नहीं भाई इतने पैसे नहीं हमारे पास। एंड व्हाट अबाउट सुप्रा, ये कितने की है? ओके, ये 50,000 में मिल रही है, ले लेते हैं सिर्फ 50,000, $852 हम नहीं देने वाले हैं इसके। ओके, तो ये सुपरा हमारी हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज भी है, तो मैं सोचा हूँ इसे भेजते हैं रिपेयर करने के लिए, रिपेयर वन में। ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत घूमने के बाद मुझे कोई दिखी नहीं, यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि ऑडी S5 है, तो मैं यही लेने वाला हूँ, ऑडी S5 जो थोड़ी डैमेज है, कोई ना हम इसे रिपेयर करवा लेंगे 13,000 में, नहीं $12,000, नहीं मिल रहा है, 12,500 भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। ओके
ओके फाइनल 13,000, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ इसको। ओके तो ये गाड़ी भी हमें मिल चुकी है, चलो चलते हैं इसको लेके अपने ऑफिस में, लेट्स गो। इस साइड चलना है, भाई क्या ही बची है ये कार यार, मुझे उस साइड जाना था, रुकना नहीं। ओके चलो जल्दी चलते अंदर, दोनों गाड़ियों को लगाते हैं रिपेयर पे। भैया गाड़ी रिपेयर कर दो मेरी, $100 ज़्यादा ले रहा है ये। एंड सुप्रा को भी कर दो रिपेयर, दो $260 जीज। ओके गाइस तो हमारी दोनों गाड़ियाँ हो चुकी हैं रिपेयर, इसे भेजते हैं हम दो ट्रक में, और मैं सोच रहा हूँ सुप्रा को थोड़ा कस्टमाइज करवाते हैं के बाद इसे बेचा जाएगा। तो लेट्स गो गाड़ी के अंदर, गाड़ी का इंजन कर दो स्टार्ट। और गाड़ी को बाहर निकालो, लेट्स गो। ओके भाई ये कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्ट मार दिए, ठीक है हम अंदर तो आ चुके हैं, हल्का सा गाड़ी को आगे करना है, हल्का सा बस, परफेक्ट। गाड़ी से उतरो, अब देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ओके कार पेंट, मैं सोच रहा हूँ येलो कलर कराया जाए क्यों ना। भाई येलो 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 येलो, क्या ये वाला कलर कार पार्ट्स। ओके पार्ट्स में तो नहीं होगी। ओके इसमें हम थोड़ा बहुत गाड़ी की स्मूथनेस एकदम बढ़ा दो, गाड़ी को हल्का सा मेटेलिक कर दो, लेट्स गो। गाड़ी को कर लिया एक अपग्रेड, गो जल्दी से चलो इसके पास, ये वाली गाड़ी को भी लगाते हैं पार्क करते हैं और करते हैं सेल पे लगाते हैं। ओके गाइस ये वाली गाड़ी भी हो चुकी है यहाँ पे पार्क बिल्कुल अच्छे से, उतरते हैं टैब को लेते हैं हाथ में। सुप्रा की तो भाई मैं एकदम अच्छे से फोटो वोटो लेके लगाऊंगा सेल पे। ये हो गया एक फोटो इस एंगल में, डन। अब इसे लगाते हैं सेल पे, ये रहा टोयोटा की सुप्रा, फोटोज लगा दो। और इसको मैं लगाने वाला हूँ टोटल $1,00,000 की, ये 50,000 की तो हमने ख़रीदा है, उसमें हमने थोड़ा बहुत $1,000 का अपनी तरफ से भी खर्चा किया है ना, इसे लगाते हैं $1,00,000 पे सेल पे। और ये ऑडी को लगाने वाला हूँ मैं 25,000 में। ओके okay, तो वेट करते कस्टमर्स के आने का। भाई तब तक तुम लोग ये गाड़ी देखो भाई, राह मतलब क्या ही चमक रही है, सिर्फ थोड़ी सी गंदी हो रखी है इस वजह से ये साइड साइड से थोड़ी अजीब सी दिख रही है, वरना ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो बात करते हैं इनसे, 68 नॉट बैड, बट मैं और वेट करने वाला बंदों का, तब तक ऑडी S5 को देखते हैं। ओके okay, ये $24,000 दे रहा है, मतलब ये 25 ही दे ही देगा, दे तो भाई। ओके okay, तो ऑडी S5 बिक चुकी है हमारी $25,000 में, अब वेट करते हैं सुप्रा का। ओके गाइस तो यहाँ पे चार चार कस्टमर आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसा हमें ये दीदी दे रही हैं, जो कि पूरे $91,000। ओके ऑलमोस्ट 92 है, तो क्या ये गाड़ी 95 में जाएगी,
प्लीज़ 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 बिक जाना 95,000 में प्लीज़। ओके तो फाइनली ये गाड़ी भी बिक चुकी है 95,000 डॉलर्स में, और इसी के साथ हमारा 1,00,000 डॉलर्स कमाने का गोल भी कंप्लीट हो चुका है। चलो चलते हैं एक बार वापस कार मार्केट में और देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी मिल रही है वहाँ पे, या फिर कार मार्केट जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए अपने शोरूम को। मैं मतलब ये टो ट्रक के भी दोनों स्लॉट में ख़रीद रहा हूँ, एंड और तो कुछ ज़रूरी नहीं है अभी मेरे ख्याल से। हमारा एक स्किल पॉइंट अनलॉक हो रखा है और हमारे पास 3 स्किल पॉइंट है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बंदे के लिए ये ख़रीद लिया जाए, ताकि अब से ये बंदा कार वॉश भी करेगा हमारा। ओके तो इसी के साथ इसने थोड़े बहुत कपड़े भी पहन लिए हैं, हमारे पास अभी भी एक स्किल पॉइंट है, और उससे मैं सोच रहा हूँ कि ना बेटर बार्गेन ख़रीद लिया जाए, फिर हम गाड़ियों की थोड़ी अच्छी प्राइस निकाल सकें। ओके अभी भी हमारे पास पूरे 1,00,000 डॉलर से, चलो चलते एक बार फिर से कार मार्केट में देखते हैं कोई और गाड़ी मिलती है या नहीं। लेट्स गो, कार मार्केट प्लेस में हम लोग आ चुके हैं। ओके तो यहाँ पे मुझे मर्सिडीज़ दिख रही है, बात करते हैं। ये मर्सिडीज़ कूप है, 82,000 डॉलर्स। वॉट अबाउट 78,000। ओके तो हम लोग थोड़ी बड़ी बड़ी डील्स कर सकते हैं गाड़ियों में, और ये गाड़ी हमें मिल भी चुकी है। ओके लोल भाई रात हो गई। ओके भगाते भगाते भाई ये गाड़ी कंट्रोल से बाहर है, तो भी अपग्रेड करा के बेचा जाए क्या? चलो चलते हैं देखते हैं, इसे भी अपग्रेड कराते हैं। पहले देखते हैं ये गाड़ी रिपेयर करने लायक है या नहीं, वैसे मैंने चेक करना भूल गया था ये गाड़ी में थोड़ा भी डैमेज है या फिर नहीं। चलो भैया से ही बात करके देखते हैं। ओके थोड़ी सी रिपेयर बाकी है, तो ये बंदा रिपेयर कर रहा है, तब तक मैं अपने ऑफिस के बिल पे कर देता हूँ। वेब पेज बिल्स भाई 13,000 डॉलर्स का बिल आया है, व्हाट? ओके तो हमारी गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है, लेट्स गो इसे लेके चलते हैं, इसमें भी थोड़ा कस्टमाइजेशन करवाते हैं। ये थोड़ा इस कलर में देते हैं, स्काई ब्लू एकदम डार्क, देन गाड़ी की स्मूथनेस एकदम बढ़ा देते हैं, गाड़ी को एकदम मेटेलिक कर दिया जाए, नहीं अच्छी हल्की सी मेटेलिक। ओके डन हो चुकी है, क्योंकि मैंने 78 की खरीदी है, इसमें 700 डॉलर्स अलग से लगाए हैं, तो मैं इसे भी लगाने वाला हूँ 1,20,000 डॉलर्स की। लेट्स गो, अब वेट करते हैं बंदों के आने का। ये गाड़ी एकदम फुल्ली मस्त एकदम बन चुकी है। ओके गाइस तो मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया, यहाँ पे कोई नहीं आता इस गाड़ी के लिए, मैं इससे बात करता हूँ, ट्राई करता हूँ इस गाड़ी को 1,00,000 डॉलर्स में फाइनल करने के लिए। बार्गेन 1,00,000 डॉलर्स। ओके तो ये गाड़ी 1,00,000 डॉलर्स में बिक चुकी है फाइनली, और हमारे पास वापस से एक बार हो चुके हैं 1,17,000 डॉलर्स। तो लेट्स गो गाइस, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।